अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे हवावे को फ्लैश आपने कैसे करना है विद आउट एनी एरर, ठीक है, विद आउट एनी डेड रिस्क। सबसे पहले EFT को ओपन करते हैं। ये है ये मॉडल जो आजकल आ रहे हैं ना लेटेस्ट, ये उनके लिए ये वाला मेथड बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फ्लैश मल्टी ऐप फाइल, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है अपग्रेड मोड, मतलब कि ये अपग्रेड मोड में ही ये आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। बाकी ये 6 फाइलें मैंने इनके नेम लिखे हुए हैं, ये आप देख लें। आपने इनको जो है यहाँ से ये फाइलें 6 फाइलें आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ये आपने बारी बारी ऐड करनी है। और ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि हमने इसको ऐसे फ्लैश क्यों करना है। हालांकि ये 2 फाइलों से भी फ्लैश हो जाता है, अपडेट जो इसकी मेन फाइल होती है, अपडेट बेस और इसकी अपडेट कस्ट, ये 2 फाइलों से भी हो सकता है फ्लैश। यहाँ से मैं यहाँ से फाइलें सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ से डबल क्लिक में कर रहा हूँ, यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से ऐड ऐप फाइल पे ये आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से अब वो 6 फाइलें हम बारी बारी यहाँ पे दे देंगे। अच्छा, इसकी एक वजह तो ये है, मैं इसको फ़ोन को ये मेरे पास एंड्रॉयड 10 में लेटेस्ट सिक्योरिटी है, मैं थोड़ा सा डाउनग्रेड करना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। एक तो हो गया, आप ऐसे ही इसको डाउनग्रेड कर सकते हैं अपने फ़ोन को। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ऐसे फ्लैश करने से फ़ोन डेड होने के चांस बहुत कम है। और तीसरे नंबर पे फ़ोन आपका बाज़ दफ़ा ई रिकवरी पे स्टक हो जाता है और आप उसको फ्लैश भी करते हैं तो वो वहाँ से नहीं निकलता। और उस फ़ोन को आप ऐसे ही 6 फाइलों से फ्लैश करेंगे तो फ़ोन आपका बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। तो बाकी जो लेटेस्ट फ़ोन है उनको ऐसे ही फ्लैश करना चाहिए। तो यहाँ से मैं 6 फाइलें ऐड कर दूँगा, तो उसके बाद फ़ोन को आपने लगाना है अपग्रेड मोड में, फास्टबर्न मोड में नहीं लगाना, अपग्रेड मोड में आपने फ़ोन को लगाना है। और डाउनग्रेड करने के लिए ये मेथड बहुत ही कारामद है, इसमें कोई एरर नहीं आता। तो ये 6 फाइलें मैं ऐड कर चुका हूँ, तो अभी मैं अपने फ़ोन को अपग्रेड मोड में लेके जाऊँगा। इसका पावर बटन और वॉल्यूम अप वाले बटन से ये चला जाता है रिकवरी पे, तो वहाँ पे ही लिखा होता है इसका अपग्रेड मोड, उसके बाद USB जो है मोड। यहाँ से मैं अभी अपने फ़ोन को लेके जाऊंगा अपग्रेड मोड में, तो यहाँ पे मेरे जो है ड्राइवर शो हो जाएंगे। फ़ोन मेरा अपग्रेड मोड में आ चुका है और यहाँ पे अपग्रेड मोड के ड्राइवर आ चुके हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा और ये आप देख सकते हैं ये 6 फाइलें अब इस फ़ोन में फ्लैश होंगी बारी बारी, ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा तो ना ही आपका फ़ोन डेड होगा। तो यहाँ से वीडियो को मैं फॉरवर्ड कर दूँगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट तकरीबन।